नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। वाराणसी में पुलिस भर्ती परीक्षा में आए दो सॉल्वर के साथ साथ पांच लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक बिहार से आए एक सॉल्वर के साथ अभ्यर्थी ने 1,00,000 रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा किया था। इसके अलावा एक सॉल्वर प्रयागराज से भी चलकर आया था, जिसे भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस भर्ती परीक्षा के आखिरी दिन दो सॉल्वर के साथ साथ पांच लोगों को अरेस्ट किया गया है। बिहार के रहने वाले सॉल्वर्स के साथ परीक्षा में बैठने के लिए 1,00,000 रुपए में डील हुई थी। हालांकि परीक्षा केंद्र में घुसते समय बायोमेट्रिक मिलान के दौरान उसे और उसके सहयोगी को पकड़ लिया गया। वही एक सॉल्वर प्रयागराज से आया था। पुलिस ने इन तीनों के अलावा परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में दो अभ्यर्थियों को भी अरेस्ट किया है। पुलिस इन सभी से अब पूछताछ कर रही है। वहीं पकड़े गए सॉल्वर्स से उनकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए हो रही परीक्षा का शनिवार को आखिरी दिन था। इसके लिए वाराणसी में कई केंद्र बनाए गए थे। इसी क्रम में तीनों केंद्रों से वाराणसी पुलिस ने पांच लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में दो अभ्यर्थी हैं, वहीं दो सॉल्वर्स और एक इनका सहयोगी पकड़ा गया है। ये गिरफ्तारियां वाराणसी के भेलूपुर और लंका थाना क्षेत्र से हुई है। बीएचयू कैंपस में कृषि विज्ञान केंद्र में बनाए गए सेंटर से प्रदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप का बायोमेट्रिक मिलान में नाम और जन्म तिथि अलग अलग पाई गई थी। पता चला कि उसने उम्र में छूट लेने के लिए दो बार हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। उसने पहली परीक्षा प्रमोद सिंह के नाम से दी, वहीं दूसरी प्रदीप सिंह के नाम से हाई स्कूल की परीक्षा में बैठा था। इसी क्रम में पुलिस ने बिहार के रहने वाले श्रीकांत को लंका थाना क्षेत्र स्थित केंद्र से अरेस्ट किया है। श्रीकांत किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने इस केंद्र के बाहर से उसके सहयोगी आजमगढ़ के रहने वाले विशाल को भी अरेस्ट किया है। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि मूल अभ्यर्थी से उनकी 1,00,000 रुपए में डील हुई थी। पुलिस ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र से भी एक सॉल्वर सतीश कुमार को अरेस्ट किया गया है। प्रयागराज का रहने वाला सतीश कुमार अतुल देव पाल नामक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के लिए आया था। उधर जालौन पुलिस ने भी इस परीक्षा में बैठने आए एक मुन्ना भाई को अरेस्ट किया है। वो फर्जी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लगाकर परीक्षा देने आया था। आधार कार्ड और हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र में जन्म तिथियां अलग अलग मिलने पर उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है, लेकिन दोबारा परीक्षा कराने के बाद भी नकल माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की सतर्कता की वजह से इन्हें धर दबोचा गया। सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच पांच मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।